हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा देखना शुरू कर चुके हैं हमारा रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल्स। जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे पास करते हैं, वो भी जब कंपोनेंट पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप में हो। मतलब कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा कैसे भेजते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल्स में प्रैक्टिकल पिछले वीडियो में हमने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था और आए दिन इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। और आज जो वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि प्रॉप्स इन कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स कैसे यूज करते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, विद एग्जांपल हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। प्रॉप्स इन कंस्ट्रक्टर। अगर हमने प्रॉप्स को कंस्ट्रक्टर में पास करना होगा, इसे मैं थ्योरी नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। देखता हूँ कि आप लोग का माइंड क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये वही कोड है जो हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। पिछले वीडियो में हमने जो कोड कर करके देख रहे थे, उसी कोड में हम आगे मॉडिफाई करके सीखेंगे कि प्रॉप्स को हम कंस्ट्रक्टर में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरी मैंने वो चीज लिख दिया है, इसको हम हटा ही देते हैं। यहीं पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब सपोज करिए मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाता हूँ। यही वाला ले दूँ क्या? स्टूडेंट वाला ले लेता हूँ। ओके, कंपोनेंट इसको हटा देते हैं। यहाँ पर मैं पैरेंट कंपोनेंट लिखने के छोड़िए, नाम ही चेंज करता हूँ। stdent कर दिया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि im क्या this dot props props dot मान लिया दिया नेम। ठीक है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर डॉट गेट एलिमेंट पी आई डी। आउटपुट आ जाएगा क्या? आएगा आउटपुट? सॉरी, नहीं आएगा ना, अब यहाँ पर हमें भेजना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं अब यहाँ पर भेजा नहीं, ये भी मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से कोई डेटा भेजा नहीं और आप यहाँ पर गेट कर रहे हैं, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। कैसे पता चलेगा? ब्लैंक अनडिफाइंड आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी कॉन्कैट किया तो नहीं दिखा रहा है। अगर हम किसी किसी स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैट कर दें तो दिखनी चाहिए। कंसोल अनडिफाइंड आनी चाहिए। डॉट प्रॉप्स, तो जैसे ये इनवोक होता है ना, तो डिस्टर्ब प्रॉप्स नाम का प्रॉपर्टी वहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलता है। अब उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो अनडिफाइंड आनी चाहिए। दिखाता हूँ मैं, ए मान लीजिए ऐड कर दिया प्लस। ठीक है, अब ए अनडिफाइंड आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर स्पेस दे दूँ, देखते हैं। देखिए ना, ए अनडिफाइंड। ठीक है, क्योंकि लॉजिक वही है। अगर आप सिंपली इतना एक्सेस करते हैं, दिस मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि स्टूडेंट को मैंने किया ना, देखिए यहाँ पर प्रॉप्स बना हुआ रहा। प्रॉप्स कंटेस्ट रेफ्स स्टेट अपडेटर सब हमने देखना है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें से एक उठाया है प्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर आया है ना, अभी ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट का कोई प्रॉपर्टी ढूंढेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा था हमने? अनडिफाइंड। ठीक है, अब हम यहाँ से पास कर रहते हैं एक नेम, दे दिया हमने अजीत। क्या आ जाएगा? अजीत। फिर आप बोलेंगे सर ये तो कितनी बार एक ही चीज दिखाएंगे। ठीक है, तो ये दिखाने का रीजन है हमारे पास कि मान लीजिए अब जैसे ही ये क्या है हमारा क्लास कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब क्या होगा? क्या होगा? अब इसके अंदर एरर आ जाएगा। ठीक है, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर, जो कि हमने पिछले क्लास में ही बताया था। जस्ट आपने कंस्ट्रक्टर इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, तो ये अब बता रहा है कि जो ये, चूंकि ये जो क्लास है इसका आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो ये जो बोलता है कि आप जब जब रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट को आप एक्सटेंड किए हैं
तो जिसको आप एक्सटेंड किए हैं, इनहेरिट किए हैं, उसका भी सुपर क्लास कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सुपर, तो ये एरर नहीं आएगा, हट जाएगा। ठीक है, एरर हट गया। ठीक है, ये क्या रहा है, कुछ ऊपर हमने कोई एक फाइल बनाया है इसको एक्सेस नहीं किया, नोटिफिकेशन देते रहता है ये, इसको हमने कमेंट कर देना है, अब नहीं आएगा एरर। दिखाऊं मैं अगर, क्या है, अनलेस कंस्ट्रक्टर। हाँ देखिए, अब कंस्ट्रक्टर के बारे में दिखा रहा है कि कंस्ट्रक्टर में आप कुछ किया ही नहीं है, क्यों बनाया है, हटा दीजिए इसको, नो यूजलेस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर हमें तो कर पढ़ना है, ठीक है, तो हमने कर दिया ये चीज़। तो मेरा फंडा क्लियर है कि जब भी किसी भी कंस्ट्रक्टर के, किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको सुपर मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और आगे हम लोग और भी देखेंगे कि यहाँ पर जैसे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रॉप्स लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने प्रॉप्स लिखना पड़ता है, क्यों लिखना पड़ता है ये सब अभी बाद में देखेंगे, ठीक है, आने वाले क्लासेज में। ठीक है, अभी बस हमें ये बताना था कि यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है, कहीं पर भी आप रहिए बनाइए, ठीक है, आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं दिखा भी दूँ थोड़ा सा, क्या अगर मैं अब यहाँ पर करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया अगर दिस, ठीक है, क्या मिलेगा हमने आउटपुट यहाँ पर, जिसमें सारा चीज मिल गया। ठीक है, इसमें प्रॉप्स भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख रखा है कि इफ योर कंपोनेंट हैज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन द प्रॉप्स शुड ऑलवेज बी पास टू द कंस्ट्रक्टर एंड ऑल्सो द रिजेक्ट डॉट कंपोनेंट वाया द सुपर मेथड। ठीक है, हम आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, हम आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे, आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि रिएक्ट जेएस का लाइव क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, आप इंक्वायरी करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लाइव क्लास, जिसमें कि हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कि पूरा रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट, बेसिक एडवांस, ES6, ES7, बेबल, वेबपैक, रेडक्स, सब कुछ पढ़ाया जाता है विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। रिएक्ट जेएस में हम प्रोजेक्ट डेवलप करना भी सिखाते हैं लाइव क्लास में, तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है और मोबाइल नंबर्स भी हैं जिस पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं।